Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 1 by Brain Root series and here is a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 11 and the name is The Fox and the Crow. So yes, we are going to learn the story of Fox and the Crow. Let's start with the warming up. In this story, a cunning fox means एक चालाक fox जो है वो क्या करता है snatch करता है food को from a crow. Crow से उसका food छीनता है. Snatch करना means छीनना. Through its cunning ways means बहुत बहुत सारे उसने चालाकी दिखाई जिसके बाद वो उस crow से उसका खाना छीनने की कोशिश करता है. So What you have to do first, you have to color the picture of a bird. यहाँ पे bird है, उसकी picture को आपको color करना है. So the story begins. अब ये हमारी story यहाँ से शुरू होती है कि आप देख सकते हो यहाँ पे picture है, एक crow है जो पेड़ पे बैठा है और सामने उसके बैठा है एक fox. So once upon a time there was a crow. एक समय की बात है, एक crow था. One day the crow found a piece of cheese और उस क्रो को एक दिन एक चीज का टुकड़ा मिला. He picked the cheese with his beak. अपनी चोंच से उसने उस चीज को पकड़ा. He then flew to his nest और अपने nest means घोंसले तक पहुंच गया. A fox was passing by there और लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहां से उस रास्ते से एक fox गुजर रहा था, जा रहा था. He saw the crow and the cheese. उसने देखा कि पेड़ पे एक कौवा बैठा है और उसके चोंच में क्या है, उसके बीक में एक चीज का टुकड़ा है. His mouth began to water. उसका जो माउथ था वो उसमें पानी आने लगता है. He wanted a bit of cheese. उसे थोड़ा सा चीज चाहिए था. The crow was sitting on the tree above. जो क्रो था वो पेड़ के ऊपर ऊपर बैठा हुआ था. The fox tried to climb the tree. अब fox ने सोचा कि चलो इस पेड़ पे चढ़ के इस कौवे से मैं क्या करता हूँ, उसका चीज का पीस जो है छीन लेता हूँ. He could not climb it. लेकिन जो fox था वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया. But the fox was very clever. जो fox था वो बहुत ज़्यादा चालाक था, clever था. He had an idea. उसके दिमाग में एक idea आता है. He stood under the tree and said, वो क्या करता है, पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोलता है, Ah, Mr. Crow, I am happy to see you. मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ, Mr. Crow. The crow said nothing. Crow ने कुछ भी नहीं बोला. The fox went on, I knew your father. मैं तुम्हारे फादर को भी जानता हूँ. He sang very well. तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे. The crow still did not say anything. अभी भी क्रो ने कुछ भी नहीं बोला. The fox further said, a fox ने आगे क्या बोला, Your father sang so well, but you cannot sing. तुम्हारे पापा तो कितना अच्छा गाना गाते थे और तुम तो गा ही नहीं सकते. How sad, कितनी बुरी बात है ये, कितनी sad बात है ये. The crow was angry. अब क्रो को गुस्सा आ गया ये सुन के कि ये कैसे मेरी जो है बुराई कर सकता है. He opened his beak and said, उसने अपनी चोंच को खोला और बोला, Of course I can sing, काउ काउ. उसने ये बोला कि हाँ हाँ मैं इस गाना गा सकता हूँ और उसने काउ काउ करना शुरू कर दिया. The piece of cheese fell out of its mouth. उसके मुंह से वो चीज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है. द फॉक्स क्विकली पिक्ड इट अप एंड रैन अवे. फॉक्स ने जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और लेके भाग गया. जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, फॉक्स ने उस चीज के टुकड़ा जो है फॉक्स के मुंह में है और क्रो कैसे बैठा हुआ है, सरप्राइज होके बैठा हुआ है. सो दिस वॉज योर स्टोरी चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. फर्स्ट वर्ड इज पासिंग बाय. पासिंग बाय का मतलब होता है गोइंग बाय. Mouth began means describe something that taste. Mouth began to water means describe something that began that tastes so delicious that it make you drool. कोई ऐसी चीज का टेस्ट जो आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा लालच दे देता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में पानी आने लगता है. Bit means a small piece.
आइडिया मीन्स अ प्लान, एक छोटा सा प्लान. क्विकली मीन्स इन अ हरी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में. क्लाइंब मीन्स टू गो अपसाइड, ऊपर जाना. क्लेवरर मीन्स स्मार्ट. एंग्री मीन्स नॉट हैप्पी, एंग्री का मतलब बिल्कुल भी खुश ना होना. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. एंड हियर द ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो ये द फर्स्ट वन इज द क्रो फाउंड अ पीस ऑफ डैश. क्रो को क्या मिला था? ब्रेड, चपाती, चीज या फिर बिस्किट. तो क्रो को मिला था एक पीस ऑफ चीज. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ, क्रो कहाँ बैठा हुआ था? ट्री, रॉक, लैंड और विंडो. सो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. द वॉइस ऑफ द क्रो इज, जो क्रो है उसकी आवाज कैसी है? भाव भाव, रोर, काउ काउ या म्यू म्यू. सो काउ काउ इज द साउंड ऑफ क्रो. द क्रो होल्ड द चीज इन हिज, क्रो ने जो चीज था वो कहाँ पे पकड़ रखा था? हैंड में, लेग्स में, बीक में या फिर क्लॉज में. सो इट इज बीक, अपनी चोंच में पकड़ रखा था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. सो चिल्ड्रेन द फर्स्ट वन इज द क्रो फ्ल्यू टू हिज, क्रो जो है कहाँ उड़ के गया? टू हिज नेस्ट. सो वॉट वी विल डू हियर, वी विल राइट हियर नेस्ट. नेक्स्ट इज द फॉक्स ट्राइड टू क्लाइंब द, फॉक्स कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा था? ट्री, सिंग, क्लेवर और नेस्ट. सो ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री. द फॉक्स वॉज वेरी, फॉक्स कैसा था? क्लेवर. सो लेट्स राइट हियर क्लेवर. द क्रो ओपन्ड हिज माउथ टू, क्रो ने अपना माउथ ओपन किया था किस काम के लिए? सिंग करने के लिए. सो इट विल बी सिंग. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, क्या उसे पीस ऑफ ब्रेड मिला था? नो, दिस इज फॉल्स. अ डियर वॉज पासिंग फ्रॉम बाय फ्रॉम देयर, एक डियर वहां से गुजर रहा था. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. अ फॉक्स वॉज पासिंग बाय फ्रॉम देयर, द फॉक्स वॉन्टेड द होल पीस ऑफ चीज, जो फॉक्स था उसे पूरा चीज चाहिए था. यस, ट्रू. द फॉक्स वॉज क्लेवर, वो बहुत ज्यादा चालाक था. यस, ट्रू अगेन. एंड द वॉइस ऑफ द क्रो वॉज मेलोडियस, जो कौवे की आवाज थी वो बहुत ज्यादा सुरीली थी. फॉल्स. सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रन, क्विकली मार्क देम अप. And with this, we have completed the chapter, children. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.